अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादरचोद तो सुन। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गार्ड मार के रखी हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े कोडिंग सीखने, 3-3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग, इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए,